स्वागत है आपका हमारे नए चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पहली क्लास लेकर आपके सामने आए, जिसमें हमने आपको हिंदी में समास और वर्णमाला, रीजनिंग में पासा और कैलेंडर, और मैथ में औसत, और सामान्य अध्ययन में जो जनसंख्या, जिसको हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, और हमने साइंस में आपको प्रकाश के बारे में बताया। अब हम सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल छोटी छोटी बातें जनसंख्या के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से जो जनगणना हुई थी वो हुई थी स्वीडन में। उसके बाद हम भारत की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आंकलन लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, जो कि 1881 से हुआ था। ये जो जो जनगणना भारत की हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं गणना जनगणना थी। उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं कि वो 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, और 15वीं जनगणना का जो नारा था वो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। और ये जनगणना का अधिनियम जो बना था वो बना था 1948 में। वैसे कुछ छोटे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में बहुत बड़ा हास हुआ था, मतलब हानि हुई थी। इसको हम महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। कभी कभी टिक लिख के लिए, निशान लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जब भारत की जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी वो हुई थी आपकी 1961 से 71 के दशक में। और जनसंख्या में जो वृद्धि में जो पहली बार गिरावट आई थी वो आई थी आपकी 1971 से 1981 के दशक के बीच में। वैसे ही जनगणना का दायित्व जो है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया है, और इसी चीज़ को देखते हुए 1961 में जनगणना विभाग का गठन हुआ था। वैसे बहुत लोगों ने जनसंख्या के बारे में सिद्धांत दिए, उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है माल्थस का, जिन्होंने बताया था कि जनसंख्या जो की जो वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, और जो जीवो मतलब हम लोगों के जो जीवोपार्जन का जो का साधन होता है वो समांतर श्रेणी में होता है। उसके बाद एक और थे मार्क्स, उन्होंने भी जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। उनका जो जनसंख्या का सिद्धांत था वो था सामाजिक अवधारणा के सिद्धांत पर। अब देखा जाए तो भारत इस समय तीसरी पीढ़ी से गुजर रहा है, तीसरी अवस्था से गुजर रहा है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। और जो भारत की अशोधित मृत्यु दर है वो 7 पॉइंट प्रति हजार है, और जो जन्म दर है 21.8 है। वैसे एक छोटी सी बात और जान लें, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में जो हम लोगों को पता चला था, सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, और इस शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 341 में भी किया गया है। ये तो ही छोटी छोटी बातें। अब आते हैं हम जनसंख्या पर। जैसा कि हम जानते हैं भारत की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है, और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है। मतलब कुल जनसंख्या में 51.47 पुरुष हैं और 48.53 महिला हैं। लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब चलते हैं हम उसके मेन टॉपिक पे, जो इस क्लास में हमने लिए हैं। इस क्लास में हमने लिया लिंगानुपात, उसके बाद लिया है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, उसके बाद हमने जाना है कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिंगानुपात पे। जैसा कि हम जानते हैं जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 प्रति 1000। अब जानेंगे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका केरल में, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद मेघालय। लेकिन ऐसे तो याद होंगे नहीं, तो हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, ध्यान से सुनिएगा। ये है कल तुम आना छत पर मेघा, कल तुम आना छत पर मेघा। कास कल से बना, का से बना केरल, ला से बना तमिल, तमिल तुम से बना तमिलनाडु, आ से बना आंध्र प्रदेश, छत से बना छत्तीसगढ़, और मेघा से बना मेघालय। दोबारा से सुनिएगा, कल तुम आना छत पर मेघा, कल मतलब केरल,
तुम मतलब तमिलनाडु, आना मतलब आंध्र प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, मेघा मतलब मेघालय। तो ये याद हुआ सर्वाधिक लिंगानुपात। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की। न्यूनतम लिंगानुपात है सबसे कम हरियाणा, हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद पंजाब, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। अब इसको टेक ट्रिक में याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हरी जर्सी पहनकर। हरी से मतलब हरियाणा, जा से मतलब जम्मू कश्मीर, सी से मतलब सिक्किम, और पहनकर मतलब पै से मतलब पंजाब, और कर उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश। दोबारा सुनिए, हरी जर्सी पहनकर, कल तुम आना छत पर मेघा, हरी जर्सी पहनकर। लिंगानुपात याद हो गया कैसे? कल से मतलब केरल, तुम से मतलब तमिलनाडु, आना मतलब आंध्र प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, और मेघा मतलब मेघालय। और न्यूनतम किसमें? हरी जर्सी पहनकर। हरी मतलब हरियाणा, जा मतलब जम्मू कश्मीर, सी मतलब सिक्किम, और पै मतलब पंजाब, और कर मतलब उत्तर। इसके बाद सर्वाधिक जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो पुदुचेरी में है, और न्यूनतम दमन और दीप में है। तो ये हो गया हमारे लिंगानुपात के बारे में। अब पढ़ते हैं हम अनुसूचित जाति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% हमारे यहाँ अनुसूचित जाति है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इसको भी एक छोटी ट्रिक में याद करते हैं। एससी को कैसे याद कर देंगे? यूपी बिहार तुम आना, मतलब यूपी बिहार तुम आना। यू मतलब उत्तर प्रदेश, पी मतलब पश्चिम बंगाल, तुम मतलब तमिलनाडु, और आना मतलब आंध्र प्रदेश। तो यूपी बिहार तुम आना, ये एससी की ट्रिक है अधिक सर्वाधिक की। अब देखते हैं प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है। बस आज तक इसके बारे में पूछ सक यही पूछा जाता है, सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? तो सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? पंजाब में। अब बात करते हैं न्यूनतम, न्यूनतम एससी सब कहाँ पर है? तो देखिए इसको एक ट्रिक बना लेंगे। मी ना यूपी बिहार तुम आना, तो मी ना, मी मतलब मिजोरम, ना मतलब नागालैंड, तो मी ना यूपी बिहार तुम आना। तो मी ना जो है न्यूनतम है, और यूपी बिहार तुम आना वो अधिकतम है। तो हमें याद हो गया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से राज्य हैं जहां एससी नहीं है? तो वो राज्य हैं, सिर्फ याद कर लीजिए, अरुणाचल। अरुणाचल का मतलब आरुंग मतलब अरुणाचल, उसके बाद आया आपका ला, ला मतलब अंडमान निकोबार, उसके बाद आया अनु ना, ना मतलब नागालैंड, और चल मतलब लक्षद्वीप। दोबारा से याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार। आपसे पूछे कि ऐसी कहाँ नहीं है, आप सीधा अरुणाचल अरुणाचल बोल दीजिए। अरुणाचल का मतलब हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये बात हुई हमारी एससी के बारे में। समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुसूचित जनजाति के बारे में, एसटी। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या का 6.8.6% हमारे यहाँ एसटी है, और सर्वाधिक एसटी जो वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। मतलब कौन कौन से हुए? सर्वाधिक एससी एसटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास आपका आया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आया आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। ट्रिक क्या कहती है? छोटी सी ट्रिक है एसटी के लिए, एमपी मोराजी। क्या है? एमपी मोराजी। एमपी से बना मध्य प्रदेश, मै से बना महाराष्ट्र, ओ से बना उड़ीसा, रा से बना राजस्थान, और जी से बना गुजरात। तो चार इन ट्रिकों में हमने याद कर लिया। और सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो आपके एसटी हैं वो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है, और राज्यों में सबसे ज्यादा एसटी हैं वो है मिजोरम में। तो ओवरऑल जो एसटी परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। और सबसे राज्यों में सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है? मिजोरम में। तो हमने, और हाँ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने पढ़ा था कि कौन से राज्य जहाँ एसटी नहीं है, तो ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे एसटी नहीं है। तो एसटी कहाँ कहाँ पे नहीं है कुछ भी नहीं करना, छोटी सी ट्रिक है। दीपू चुप है, क्या? दीपू चुप है। दी से दिल्ली, पू से पुदुचेरी, चा से बना चंडीगढ़, पा से बना पंजाब, है से मतलब हरियाणा।
तो सब कुछ याद हुआ ट्रिक में। सबसे पहले ट्रिक हमने सीखी लिंगानुपात में क्या थी, कल तुम आना मेगा छत पर हरी जर्सी पहनकर, जिसमें अधिकतम न्यूनतम दोनों आ गया। जैसे कल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, इसी प्रकार हमने एस सी एस टी की भी जानी, एस सी की जानी थी यूपी बिहार तुम आना, तो यू से उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, बिहार बिहार है ही। उसके बाद आया आपका तुम तमिलनाडु और आना का मतलब आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार हमने जाना कि भाई एस सी कहाँ नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ला का मतलब अंडमान निकोबार हो गया, और उसके बाद आपका नागालैंड और लक्षद्वीप। इसी प्रकार एस सी की बात करते हैं एस टी की, तो एस टी कहाँ, एमपी मोराजी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मा मतलब महाराष्ट्र, ओ मतलब उड़ीसा, रा मतलब राजस्थान, जी मतलब गुजरात। और जहाँ एस टी नहीं है वो कौन से हैं, दीपू चुप है मतलब दिल्ली, पुदुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। ये हुई छोटी सी ये बातें। आगे चलते हैं हम किस पे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या, और मतलब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 83.37 करोड़, और शहरी जनसंख्या है वो है 37.71 करोड़। मतलब जो आपकी जनसंख्या ग्रामीण कितनी बताई थी मैंने बताई थी कितना, 83.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या और 37.71 करोड़ आपकी शहरी जनसंख्या। और इसमें जो ग्रामीण परसेंटेज है आपका वो है 68.8, और जो शहरी जनसंख्या है उसका परसेंटेज है 31.2%। ये तो हुई कि कितनी हमारी टोटल जनसंख्या में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है और कितनी शहरी जनसंख्या है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। देखिए जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा हो सकती है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका बिहार, और बिहार के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। कौन कौन से राज्य हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, नहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, आप तुरंत बता दीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये तो हुआ टोटल जनसंख्या में सर्वाधिक। अब बात करते हैं हम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। देखिए जहां जनसंख्या कम है तो वहां ग्रामीण जनसंख्या भी कम हो सकती है। तो इसी प्रकार सबसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका है सिक्किम, सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका आता है गोवा, और गोवा के बाद अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य हुए, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सब किसमें है, सिक्किम में। सिक्किम के बाद कौन सा आता है आपका, मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा और उसके बाद तमिलनाडु। ये तो हुई सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। अब बात करते हैं हम परसेंटेज पे। देखिए परसेंटेज में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक परसेंटेज है ग्रामीण जनसंख्या का। उसके बाद आता है आपका बिहार, और बिहार के बाद आसाम, आसाम के बाद उड़ीसा। तो आपसे पूछा गया कि न्यून सर्वाधिक परसेंटेज में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आता है आपका बिहार, और बिहार के बाद आता है असम, और असम के बाद आता है उड़ीसा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अब देखते हैं परसेंटेज में कहाँ कम है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो परसेंटेज में कम है वो है गोवा, गोवा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद केरल। तो हमने जाना जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है न्यूनतम वो कहाँ पर है परसेंटेज में, गोवा में, गोवा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद केरल। ये तो हुई हमारी ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र, बता दिया। अब बात करते हैं शहरी जनसंख्या, जैसे जो कि 31.2% है, और टोटल जनसंख्या की जो है वो है आपकी 37.71% करोड़। तो देखिए सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, और तीसरा आता है तमिलनाडु, और चौथा आता है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो आप बता सकते हैं सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, न्यूनतम सिक्किम में है। अब बात करते हैं प्रतिशत की, तो कुछ नहीं याद करना, जो आपने ग्रामीण परसेंटेज याद किए हैं जस्ट उसका अपोजिट है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक परसेंटेज वाले राज्य कौन से हैं शहरी, तो वो कौन से हो जाएंगे, न्यूनतम ग्रामीण। और पूछेगा जब न्यूनतम शहरी वाले परसेंटेज में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो इसमें हमने जाना लिंगानुपात के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, उसके बाद हमने जाना अनुसूचित जाति के बारे में, उसके बाद जाना ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में। इसके बाद आपके चार पॉइंट बनते हैं जो कि इसके सेकंड पार्ट में आपको बताए जाएंगे, जो कि है साक्षरता, दशकीय वृद्धि, जनघनत्व और धर्म आधारित जनसंख्या। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं आपसे।